अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जिस टॉपिक पे आपके साथ डिस्कशन करूँगी वो है वाइटनिंग क्रीम्स के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम क्लिक कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलें। आज जो टॉपिक है जो मैं कवर करूँगी वो है वाइटनिंग क्रीम्स के बारे में। दुनिया में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वाइटनिंग क्रीम्स जो हैं वो आप नोट करेंगे कि एशिया में जो है सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, और ये जितनी भी मैं आपको प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी आज जिनके बारे में बताऊंगी, ये तमाम की तमाम जो हैं ये लोकली तौर पर बन रही हैं, यानी कि इन पाकिस्तानी ये बनाई जा रही हैं। आई थिंक इसमें तो कहीं लिखा हुआ भी नहीं है कि ये कहाँ, हाँ इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि ये प्रोडक्ट है कहाँ, हाँ ये लिखा हुआ ना कॉस्मेटिक पाकिस्तान। अब ब्लर तो सही हो जाए, ये कॉस्मेटिक पाकिस्तान की आई थी। अच्छा, वाइटनिंग क्रीम्स बेसिकली क्या करती हैं? वाइटनिंग क्रीम्स जो है ना वो आपकी स्किन को लाइट कर देती हैं। लाइट आपका जो एक पिगमेंट होता है जिसको कहते हैं कि मेलानिन कहते हैं आई थिंक उसको रिड्यूस करती हैं, उस पर काम करती हैं और उसकी स्किन को ब्राइटर करती रहती हैं। लेकिन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि जो भी आप वाइटनिंग क्रीम यूज़ कर रहे हैं उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं उनको ज़रूर पढ़िए, उनको सर्च कीजिए कि वो जो भी इंग्रेडिएंट हैं वो आपकी स्किन के लिए हैजार्डियस तो नहीं है, वो आपकी स्किन को पॉइजनस तो नहीं कर रहे, कोई उसमें ऐसी चीज़ मौजूद तो नहीं है जो आपकी स्किन को ख़राब करेंगी। अब आप ये देखते हैं बहुत सारी चीज़ें, अगर हम एक ही टाइप की आपका जो कलर है नेचुरल कलर उसको आप चेंज करने के लिए बहुत सारी वाइटनिंग क्रीम्स इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होता है कि वो टेम्प्रेरी तौर पे तो आपकी स्किन को वाइट कर देता है लेकिन उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो आ जाता है एज स्पॉट्स आ जाते हैं, एक्ने स्कार्स हैं, डिसकलरेशन हो जाती है और बहुत सारी चीज़ें, एजिंग बहुत ज़्यादा तेज़ी से पता चलने लग जाती है जो लोग बहुत ज़्यादा क्रीम, क्योंकि उनकी जो स्किन होती है वो बिल्कुल एक खुरदुरी भी हो जाती है। और इन इन प्रोडक्ट्स का सिर्फ ये ही कमाल है कि ये जब तक आप यूज़ कर रहे होते हैं जब तक तो आप बहुत ज़्यादा गोरे नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही आपने इसको यूज़ करना छोड़ा और वैसे ही दोबारा से आपका जो कलर है जो आपका नेचुरल कलर होता है चाहे वो ब्लैक है या ब्राउन है या गंदुमी जिसे हम कहते हैं वो है, तो वो वापस आ जाता है, यानी वाइट जो है वो हमेशा नहीं रहता है। इसके अलावा ये क्रीम जो है ना बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी देती हैं इन माय ओपिनियन। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक का ओपिनियन मेरे से मैच करे, क्योंकि अगर आपके पास साइड इफ़ेक्ट्स कैसे हो सकते हैं कि अगर ये क्रीम आपने लगाई और इन क्रीम्स को लगाने से आपको रेडनेस हो सकती है, स्वेलिंग हो जाती है, बर्निंग इफेक्ट्स आता है, इसके अलावा आपकी स्किन जो है ना उस पर बहुत ज़्यादा खुजली आती है जिसे कहते हैं, सबसे बेस्ट तरीका बेस्ट पार्ट यही है कि आप कोई भी क्रीम यूज़ करें चाहे वो लोकल ब्रांड हो या इंटरनेशनल ब्रांड हो, आपको ये करना है कि आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, स्किन क्लिनिक जाएं और वहाँ जाके उस बंदे से मशवरा करें, उस डॉक्टर से रेकमेंडेड डॉक्टर से मशवरा करें कि आइदर के ये आपको यूज़ करनी चाहिए या नहीं। यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी, जब मैं मार्केट गई तो देर आर अ लॉट ऑफ वाइटनिंग क्रीम जो कि लोकली तौर पर बन रही हैं और वो बहुत ज़्यादा सेल भी उनकी होती है, तो मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स जो थी वो उनमें से मैं कुछ सेलेक्ट करके लेकर आई हूँ। एक ये थी बाइकॉस ब्यूटी क्रीम, और ये भी स्किन वाइटनिंग क्रीम है, बायोकॉस, और इसमें लिखा हुआ है कि ये क्रीम रिजल्ट को 10 गुना बढ़ाने के लिए बायोकॉस वाइटनिंग सीरम के साथ इस्तेमाल करें। ओके, अच्छा इसके इंग्रेडिएंट्स क्यों नज़र अब आए, इसके इंग्रेडिएंट्स आप देखें इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ठीक है, ये है एक बायोकॉस ब्यूटी क्रीम। नेक्स्ट मैं एक परचेज करके लाई थी वो है अरीना गोल्ड ब्यूटी क्रीम, और इसमें इसके इंग्रेडिएंट्स ये लिखे हैं, इसमें भी वाटर, स्टेरिक एसिड,
और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, और ये 3 ईयर्स तक जो है वो यूज़ की जा सकती है मैन्युफैक्चरिंग डेट के बाद। और इस ये क्या करती है, ये आपके चेहरे को खूबसूरत और वाइट कर देती है। नेक्स्ट हमारे पास वाइट है, दिस इज़ द वाइट टोटल ब्यूटी क्रीम, और ये है विद पपाया एक्सट्रैक्ट। और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ये हैं, तकरीबन सब में एक ही टाइप के हैं, सब में ये एक्वा वाटर है, पेट्रोलियम जेली है, बीज वैक्स है, मिनरल ऑयल है, ग्लिसरीन है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड उसमें भी था, इसमें भी है, स्टेरिक एसिड है, दोनों में एक ही चीज़ है, तकरीबन स्टाइल अल्कोहल और परफ्यूम फ्रेगनेंस सब में, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है फाइजर ब्यूटी क्रीम, ये भी बहुत ज़्यादा सेल होती है, और इसके इंग्रेडिएंट्स कहाँ लिखे हुए हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स तो आई थिंक ये लिखे हुए इसमें भी देखें द सेम थिंग्स हैं जो कि इसमें डली हुई हैं, इसमें जिंक ऑक्साइड एक आई थिंक डिफरेंट है। इसके अलावा और एक और प्रोडक्ट है, ये है यूबीसी अर्जेंट ब्यूटी क्रीम, ये भी फॉर फेशियल ब्यूटी के लिए, फेयरनेस एंड एक्नी के लिए। ये अरीना गोल्ड है, अरीना गोल्ड पता नहीं मैंने दिखाई आपको नहीं, मैनिक्योर एंड पेडिक्योर, ये आई थिंक क्रीम जो है वो हैंड एंड फुट ब्यूटी क्रीम है, ये अरीना गोल्ड के फेस नहीं है आई थिंक, इसमें फेस का तो कहीं नहीं लिखा हुआ, फुट एंड हैंड का लिखा हुआ है। इसके अलावा हमारे पास है गोल्डन पर्ल, और इसके साथ फ्री फेस वॉश आ रहा है, वाओ इज गुड। इसके अलावा एक और है, ये है फेस लिफ्ट के नाम से, और इसमें भी लिखा हुआ है कि नो साइड इफेक्ट्स। ओके, इसके इंग्रेडिएंट्स ये लिखे हैं, ओके, और ये है गोरी डे एंड नाइट वाइटनिंग क्रीम, ये ऑयल फ्री है, ये भी टोटल फेयरनेस है। इसके अलावा ये है चांदनी वाइटनिंग क्रीम, एंड इसके अलावा है फेस फ्रेश, ये सिर्फ और सिर्फ इसमें लिखा हुआ है कि 5 दिन में निखारा जाता है इससे। इसके अलावा हमारे पास ये भी गोरी ब्यूटी क्रीम है, वो डे एंड नाइट क्रीम थी, ये सिर्फ और सिर्फ ब्यूटी क्रीम है। और इसके अलावा नाविया ब्यूटी क्रीम है, ये भी बहुत ज़बरदस्त ब्यूटी क्रीम लग रही है, एंड आई डोंट नो इन तमाम क्रीम्स के बारे में, क्योंकि मैंने आज तक कभी भी इन क्रीम्स में से कोई सी भी क्रीम यूज़ नहीं करी है। मैं जो क्रीम यूज़ करती हूँ आजकल वो है दिस वन इज़ द ओले नेचुरल वाइट क्रीम, ये आपको वाकई में ये आपको गोरा नहीं करती, बट आपको एक अच्छा सा जो है आपका फेस कर देती है, थोड़ा सा ग्लोई सा, थोड़ा सा अच्छा सा इफेक्ट देती है। इसके अलावा मैं जो यूज़ करती हूँ वो है दिस वन ओले, ये तो इतनी गंदी, ये यूँ करके देती हूँ, सही है, ये भी ऑल इन वन फेयरनेस क्रीम है, डे क्रीम, इट्स अ डे क्रीम, और ये पता नहीं नाइट तो नहीं थी, लेकिन मैं इसको ऐसे ही यूज़ करती हूँ ये दिन। और इसके अलावा मैं यूज़ करती हूँ ये एवलाइन की, ये मैं फर्स्ट टाइम लेकर आई हूँ, ये देखें एवलाइन, ये डे क्रीम है इसकी, एवलाइन की, और एवलाइन ही की मेरे पास है डीप ये नाइट एंटी रिंकल। अच्छा, ये जो है ना अबव 6 इफेक्ट्स इन 1, ये क्रीम मैं इस दफ़ा इसलिए लेकर आई हूँ बिकॉज़ ये थोड़ा सा ना एजिंग को भी कंट्रोल करती है, कि ये इसके जो मैंने प्रिस्क्रिप्शन पढ़ी थी उसमें ये था कि ये 30 अबव जो पीपल्स हैं जिनके स्कार्स आ जाते हैं, या फिर उनके जो है जो भी यानी एजिंग की वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होने लगते हैं आपके स्किन में, उन सबको ये ख़त्म करती है। तो ये इसमें आप ये देख सकते हैं, इसमें इनके इंग्रेडिएंट्स तो नहीं लिखे हुए शायद, इसमें हाउ टू अप्लाई लिखा हुआ है, इसके बॉक्स पे पैकिंग पे लिखे होंगे जो कि मैंने फेंक दिए। तो आई डोंट नो कि ये जो मैंने आपको ये ब्यूटी क्रीम्स दिखाई हैं सारी जो पाकिस्तानी ब्रांड की हैं, ये जो है अफेक्ट करती हैं या नहीं करती, ये इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं,
आप लोगों में से अगर कोई इन क्रीम्स को यूज़ करता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और ये कैसी क्रीम्स हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच।